नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Hot 25G versus Tecno Power Neo का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Hot 25G में 6.55 इंच जबकि Power Neo में 6.74 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Hot 25G में 3.01 इंच जबकि Power Neo में 3.04 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Hot 25G में 0.35 इंच जबकि Power Neo में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Hot 25G में 204 ग्राम जबकि Power Neo में 212 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Hot 25G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20.5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Hot 25G में 6.6 इंचेस जबकि Power Neo में 6.8 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Hot 25G में 1080x2408 और Power Neo में 720x1640 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Hot 25G में 82.75% जबकि Power Neo में 83.16% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Hot 25G में 400 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Power Neo में 263 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो Hot 25G में 1 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, और Power Neo की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, सेकंड कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Hot 25G में Mali G57MC2 जबकि Power Neo में Powerwell GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Hot 25G में MediaTek Dimensity 810MT6833 और Power Neo में MediaTek Helio G25 मिलता है। बात करें RAM की तो Hot 25G में 4GB जबकि Power Neo में 6GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Hot 25G में 64GB जबकि Power Neo में 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Hot 25G में अप टू 1TB जबकि Power Neo में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Hot 25G में Android V12 जबकि Power Neo में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Hot 25G में 5000mAh जबकि Power Neo में 6000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Hot 25G 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 1199 रुपीस में मिल जाता है, और बात करें Power Neo की तो वो 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 13780 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Infinix Hot 25G में 5 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Tecno Power Neo की तो उसमें
7 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में हॉट 25G आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में हॉट 25G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M33 5G है, दूसरा Tecno Spark 8C है, तीसरा Xiaomi Redmi Note 11S है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo T144W है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।